एक्सप्रेसवे की बात करें भारत में और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का जिक्र ना हो तो ये बेईमानी हो। जी हाँ, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका मई 2022 में 155 किलोमीटर अमृतसर से भटिंडा ऑलरेडी एडवांस स्टेज पे है, कंप्लीट होने को है, और 762 किलोमीटर संगरिया से संतलपुर का जो एरिया है उसमें से 400 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है, और हनुमानगढ़ से जलोर डिस्ट्रिक्ट तक 8 जुलाई 2023 को ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है राजस्थान में, और पीएम मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। खैर, बात करते हैं इसके पूरे लंबाई। तो ये एक्सप्रेसवे पूरा 1257 किलोमीटर लॉन्ग, देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक है। टोटल 80,000 करोड़ का बजट है, जो इंडिया के बहुत सारे नए पोर्ट और 4 स्टेट से होके हुआ जाएगा, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात हैं। ये एक्सप्रेसवे 4 लेन से 6 लेन के बीच में रहेगा और ये कनेक्ट करेगा मेजर ऑयल रिफाइनरीज और पोर्ट्स ऑफ इंडिया को। बात करते हैं इसके डिस्टेंस की। तो पहले 1450 किलोमीटर लगता था अमृतसर से जामनगर जाने में ऑन द डिफरेंट हाईवेज को कनेक्ट करते हुए, वो अब हो जाएगी 1300 किलोमीटर, मतलब 150 किलोमीटर घटेगा। और कंटिन्यूस अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएं तो 26 घंटे लगते थे, वो लगेंगे 17 घंटे, मतलब 9 किलोमीटर पर आवर कम होगा। प्लस इस रूट पे अदर हाईवेज पे जो लोड है ट्रैफिक का, उसको भी, उस कंजेशन को भी ये काफी कम करेगा। तो 150 किलोमीटर की शॉर्टेज और टाइम में 9 किलोमीटर। प्रेजेंट में इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट को जोड़ने के लिए कोई भी डायरेक्ट रूट नहीं है, मतलब पंजाब से गुजरात जाना हो तो कोई डायरेक्ट रूट नहीं है। मॉडर्न स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी कोई भी ऐसा रूट नहीं है, सारे ओल्ड रूट हैं जो कई सारे टाउन इंटरसेक्शन से होके जाने के रीजन से उनकी स्पीड काफी स्लो है। करंट रूट अगर बात करें तो NH54 से SH7 से NH62, देन NH24, फिर SS41, फिर NH947 से होके ये जाता है, जिसकी एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है, जो कि 26 घंटे लेता है, जिससे एक्सपोर्टर्स को और पोर्ट वालों को और जो शिपिंग कंपनीज वाले हैं इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो गुजरात में अगर आप ध्यान से देखें तो कांदला एंड मुंद्रापुर, जो कि कुछ 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ पे ये जो सामान पहुँच रहा होता है इसमें काफ़ी देर होता है, जो कि एक लॉस मेकिंग प्रॉफिट। वर्ल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो हाईवे की एक एवरेज स्पीड होनी चाहिए उससे हम 50% पीछे, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि इसको बनाने की ज़रूरत क्या है। टू मेक द फास्टर ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसके साथ साथ ये 3 रिफाइनरीज को कनेक्ट करेगा, जो HMEL भटिंडा, HPCL बारमर एंड RIL जामनगर। और आपको पता है रिफाइनरीज में बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनते हैं जिनको टाइम टू टाइम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट अच्छे से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो पाए, रीच कर पाए देश में सही जगह पे, इसके लिए भी ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ इट विल ऑल्सो कनेक्ट गुरु नानक देव सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट। तो गुरु नानक देव पावर प्लांट और सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये जो बिजली की सप्लाई वाले थर्मल पावर प्लांट हैं, इनको भी कनेक्ट किया जाएगा। तो रास्ते में जो कुछ भी है उसको बहुत कनेक्ट अच्छे से किया जाएगा। प्लस वॉर अगर आप देखें तो बॉर्डर है कुछ ही दूर पे, तो इसलिए इमरजेंसी के टाइम पे वॉर में भी सैनिक्स को डिप्लॉय, ट्रूप्स को डिप्लॉयमेंट के लिए भी ये एक्सप्रेसवे बहुत कारगर साबित होगा। इसके अलावा ये हरियाणा और पंजाब के दो प्रॉस्परस देश के एग्रीकल्चरल रीजन को कनेक्ट करता है, जिससे कि वहाँ की मार्केट को भी बहुत अच्छे से कनेक्ट किया जाएगा और वहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को टाइम पे पहुँचाने के लिए भी एक बहुत ही सुटेबल मार्ग होगा। ये कम से कम नए बिजनेस वहाँ पे उस कॉरिडोर में डेवलप करेगा, क्योंकि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और 30 से 40% की कॉस्ट सेविंग होगी ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट को लेके। इट विल लाइक दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे टू जम्मू, मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो इसी एक्सप्रेसवे को दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे लिंक कर दिया जाएगा, तो आप जामनगर से कटरा तक जा सकते हैं। तो आप सोचिए, बहुत ही लंबी सोच के साथ दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से इसको लिंक किया जाएगा, तो आप जामनगर से पहुंचे, आप कटरा पहुंच गए। इसकी बात करें, और इसी के साथ था ये ट्रांस राजस्थान रूट, क्योंकि ये मैक्सिमम हिस्सा इसका राजस्थान से जाएगा, तो राजस्थान के स्पेशली मेवाड़ इलाके को काफी फायदा होगा, क्योंकि ये राजस्थान के मेवाड़ इलाके के कई सारे डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। ध्यान से देखें तो जोधपुर, बाड़मेर, नागपुर, पाली, सीकर डिस्ट्रिक्ट इस मेवाड़ इलाके में आते हैं, जो इससे इनट करेंगे। 8 सेक्शन में ये डिवाइड है, जिसमें 5 ग्रीन फील्ड सेक्शन है और 3 ब्राउन फील्ड सेक्शन है। जब भी सिटी एरिया से कोई हाईवे होके जाता है तो उसे ब्राउन फील्ड कहते हैं।
कपूरथला के टिब्बा विलेज के पास से अमृतसर से 45 किलोमीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट होगा और मोगा के पास के ही NH5 से ये कनेक्ट करेगा। उसके बाद इस हाईवे की बात करें तो भटिंडा के साउथ ईस्ट से NH54 को कनेक्ट करेगा, जो कि पहला इसका फर्स्ट पूरा 155 किलोमीटर का पार्ट हुआ। इसके बाद सेकेंड पार्ट में 85 किलोमीटर का सेक्शन ओल्ड हाईवे NH54 के पैरेलल जो होगा 6 लेन का, उसको अपग्रेड किया जाएगा। तो जो NH54 ओल्ड हाईवे है उसको 6 लेन का बना के अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो ये आपका मोटी मोटा हो गया। थर्ड की बात करें तो ये राजस्थान में टोटल ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनेगा, जो बीकानेर के ईस्ट से NH11 से कनेक्ट करेगा एंड रायसर के NH62 से लिंक होगा। और यहाँ पे इसका ये 252 किलोमीटर का ग्रीन फील्ड का थर्ड सेक्शन फिनिश होता है। तो इसके फोर्थ सेक्शन की अगर आप बात करेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि राजस्थान के डेजर्ट से ट्रेवल करने के बाद ये जोधपुर से 45 किलोमीटर दूर NH125 से लिंक होगा और ये टोटल 176 किलोमीटर का होगा और यहाँ पे फोर सेक्टर ओवर होता है। इसके साथ ही ये NH25 और NH325 को कनेक्ट करेगा। इसके फिफ्थ पार्ट की बात करें तो संचर में 209 किलोमीटर लंबा ये चलेगा और NH68 से ये कनेक्ट होगा और उसके बाद ये गुजरात में एंटर करेगा और NH68 के पैरेलल चलेगा और मोता मसारा में ये NH68 से कनेक्ट होके टोटल 20 किलोमीटर लंबा ब्राउन फील्ड सेक्शन बनेगा और फिर थ्राड से ये NH68 से अलग होके एक ग्रीन फील्ड सेक्शन बनेगा जो कि जाएगा इसका संतलपुर तक, जो कि होगा 125 किलोमीटर लंबा। इसके सेवन सेक्टर की बात करें तो NH27 के पैरेलल चलेगा और समतखली में NH41 से मर्ज होगा और वहां से देखा जाए तो NH41 मुंद्रा और कांदला पोर्ट को कनेक्ट करते हैं, जिससे कि उसकी पूरी कनेक्टिविटी हो जाएगी। और उसके बाद ये समतखली से आगे जाके मलिया के पास NH27 को लीव करेगा और वहां से NH151A पे मर्ज होगा और NH151A से 131 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। वहीं अगर आप देखेंगे तो इसका सेवन सेक्शन है वो 124 किलोमीटर कुछ लंबा होगा। इसके साथ अगर आप देखें तो ये पूरा एक्सप्रेसवे 637 किलोमीटर राजस्थान, गुजरात में 388 किलोमीटर, पंजाब में 177 किलोमीटर और हरियाणा में 45 किलोमीटर लॉन्ग बनेगा।